मैंने वही सोचा। अदर जी आज जो है राष्ट्रीय महासचिव तौकीर आलम जी आज अलीगढ़ में, तो उनका जो आगमन है आज अलीगढ़ में, तो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, तो किस संबंध में आगमन हुआ है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और अलीगढ़ के प्रभारी हैं तौकीर साहब, और आज जैसा कि सर्वविदित है कि 3 तारीख से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। लोनी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है, और जैसा कि आपने अभी मीटिंग में देखा, सभी कांग्रेस सीजन में एक विशेष उत्साह और जो है वहाँ की जाने की ललक मची हुई है, तो उसी संबंध में एक मीटिंग लेने के लिए हमारे प्रभारी तौकीर साहब यहाँ हमारे बीच रहे, और उन्होंने ये फीडबैक भी आया है कि कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, तो इसी संबंध में ये मीटिंग थी और तौकीर साहब उसी के मद्देनजर यहाँ अलीगढ़ में आए हुए। जो यात्रा जो है लोनी बॉर्डर से जिसकी शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश में जो है एंट्री करने जा रही है, तो अलीगढ़ से कितने लोग कार्यकर्ता यहाँ से बसों द्वारा पहुंचे? अलीगढ़ से जैसा कि नोट हुआ है कम से कम 3-4 हजार आदमी जा रहा है अलीगढ़ से। अलीगढ़ तो यूपी में कितने जिलों में घूमेंगे? यूपी के 3 मेन जिले हैं और उनमें होके निकलेगी, उसके बाद हरियाणा बॉर्डर पे 5 तारीख की शाम को हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, ये यात्रा पिछले जो है काफी समय से 9 राज्यों में घूम चुकी है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? अदर जी काफी लंबे समय से यात्रा चल रही है, राहुल जी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह कांग्रेसियों में उत्साह पैदा कर रहे हैं, अब उद्देश्य क्या है यात्रा? देखिए, देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने देश को बहुत पीछे धकेल दिया, लोगों में भय व्याप्त है, लोगों महंगाई से त्रस्त हैं, लोग अत्याचार से त्रस्त हैं, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, एक लोगों में देखा जाए तो एक जो है ऐसी भावना पैदा हो गई है कि असुरक्षा टाइप की, तो उसके लिए राहुल जी निकले हैं कि लोगों को जोड़ रहे हैं, कि उसमें कह रहे हैं वो बार बार आप मंचों से देख रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। देश में कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि हम आंदोलन करते रहे हैं और उसी आंदोलन के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को अलग किया जा रहा है, महंगाई से और गरीबी से लोग जो है फिर दोबारा से पीछे हट रहे हैं, देश पीछे गड्ढे में जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी निकले हुए। अच्छा जी, ये जो यात्रा जो है आपकी यात्रा, तो ये कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं जुटे आप लोग? देखिए, 2024 ये तो चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमारा उद्देश्य लोगों में से भयमुक्त समाज देना है, उनको एक साहस देना है कि वो डरे नहीं और किसी उसमें न रहें, दोबारा से अच्छे लोगों की सरकार बनेगी, अच्छी सरकारें आएंगी और झूठ फरेब से अलग की सरकारें आएंगी और फिर आप हमारा देश तरक्की करेगा और जनता में एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। अच्छा जी, अभी जो है शीघ्र ही जो है अलीगढ़ में क्या पूरी यूपी में निकाय चुनाव होने जा रहे थे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, आखिर क्या कारण रहा? देखिए, ये सत्तारूढ़ दल की एक सोची समझी साजिश है, इनकी जमीन खिसक चुकी है, ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते, इन्होंने जो यहाँ हाई कोर्ट में जो आईपीएल दाखिल किए गए, अपील दाखिल किए गए, जो रिट दाखिल की गई वो भी इन्हीं के लोग थे, और ओबीसी आरक्षण को आपने जो है क्यों नहीं पहले से, जब आप डिक्लेयर कर दी, आपने सूचियाँ डिक्लेयर कर दी तो पहले से क्यों नहीं देखा, और अब आप कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये एक सोची समझी इलेक्शन को टालने वाली इनकी बात थी, सो ये इन्होंने उसमें ये सक्सेस हो गए और टाल दिया है इन्होंने, परंतु जब भी ये आएंगे जनता के बीच में जनता इनको जवाब देगी, और मेनली ओबीसी इनको अब माफ करने वाली नहीं है, ओबीसी इनसे बहुत खरा खपा है, ओबीसी के आरक्षण को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, ओबीसी को आरक्षण ये लोग नहीं देना चाहते, और यही आदेश इन्होंने हाई कोर्ट से कराया गया वो ओबीसी के आरक्षण के बिना इलेक्शन करा दिया जाए, तो ये चाह रहे हैं कि ये इनकी मनमानी चले, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और हम ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं, ओबीसी से सुप्रीम कोर्ट को हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ओबीसी को जितना कोटा होना चाहिए, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, महिलाओं को, सबको हम वो कोटा दिलवा के रहेंगे,
50% का हमारे संविधान में प्रावधान है और 50% कोटा उनको मिलना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ, आप क्रांतिकारी खबर में बने रहे।